नमस्कार दोस्तों, स्नेक्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में पाए जाने वाले ग्रीन किलबैक सांप के बारे में, मैक्रोपिस्टोनडॉन प्लम्बी कलर। दोस्तों ये एक बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है। दोस्तों ये सांप थोड़े मोटे होते हैं और इनकी बॉडी वाइपर जैसी दिखती है। ये दिखने में वाइपर जैसे होते हैं और जो इनके जुवेनाइल है, जो यंग स्पेसिमेन है, उनके गले के ऊपर काले कलर का वी मार्क होता है। जुवेनाइल में होता है, फिर एडल्ट में ये चला जाता है। इनके स्वभाव की बात करें तो ग्रीन किलबैक सांप बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है और ये खतरा महसूस होने पे अपने पूरे शरीर को चपटा कर लेता है और कभी कभी इनको नाक की तरह, कोबरा की तरह खड़े होते हुए भी देखा हुआ है। ये एक नॉक्टर्नल सांप है। नॉक्टर्नल का मतलब ये रात में निकलने वाला सांप। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये प्लेन की जगह, जो हिली रीजन होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ रहना पसंद करते हैं और वहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये प्लेन में भी मिल जाते हैं, कभी कभी ये प्लेन्स में भी, समतल जगह में, खेत में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर वेजिटेशन और घनी झाड़ियाँ होती है वहीं पाए जाते हैं। और ये सांप पानी के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं और ये पानी के आसपास ही रहते हैं। इनकी लंबाई की बात करें, ये 2 फीट तक पाए जाते हैं पूरे शरीर में, पूंछ तक ये 2 फीट, सर से लेके पूंछ तक ये 2 फीट तक पाए जाते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ओविपरस सांप है और ये एक बार में 14 तक अंडे दे सकते हैं। इनके खुराक की बात करें, मुख्य तौर पे मेंढक और टोट्स को खाता है, रेयर कभी कोई और शिकार ये करता है। उनके मुख्य खुराक में टोट्स और मेंढक ही होते हैं। इनके जियो लोकेशन की बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया में हर जगह पाया जाता है और दूसरे देशों की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान में भी ये पाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और किसी भी सांप की जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो देख के किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, कृपया करके सांप ना पकड़े, अपनी जान की परवाह खुद करें। धन्यवाद।